हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत करता हूँ जे डेन इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, छोटा सा ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर से बहुत ही पावरफुल इन्वर्टर बना के दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। और वो जो ट्रांसफार्मर है वो है CRTTV का, जो पावर सप्लाई है SM ट्रांसफार्मर फेरेट कोर का। तो इसको मैंने क्या किया, इसका जो वाइंडिंग था मैंने इसको खोल के फिर से रिवाइंड किया है। ठीक है, तो इसका जो मैंने कैसे इसको रिवाइंड किया है और इसका क्या क्या कॉपर वायर लगाया वो आप लोगों को वीडियो के अंत में बताऊंगा। और सबसे पहले इस जो इन्वर्टर है इसको हाई बनाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे दो मॉस्फेट लिया है। इसका जो नंबर है वो नंबर है आपका IRF Z44। दोनों मॉस्फेट लिया है दो चैनल के लिए। और सबसे पहले आपको दोनों सोर्स पिन को एक साथ कनेक्ट कर लेना है छोटा सा एक वायर लेके। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों सोर्स पिन को सबसे पहले सोल्डिंग करता हूँ। इसके बाद आपको देखिए, मैंने दो डायोड लिया है और डायोड का जो नंबर होगा वो होगा आपका, मैंने लिया है IN5399 का। देखिए फ्रेंड्स, पहले चैनल का ड्रेन और दूसरा चैनल का गेट को लगाना होगा आपको। देखिए फ्रेंड्स, आपको डायोड लगाने का जो तरीका है वो है आपका मॉस्फेट का जो गेट पिन है, गेट पिन को आपको डायोड का एनोसाइड रखना है। और ड्रेन पिन पे आपको डायोड का जो कैथोड साइड है नेगेटिव साइड, इस तरीके से आपको लगाना होगा। इसके बाद आपको दो 10K का रेजिस्टेंस आपको मॉस्फेट का गेट और सोर्स पे लगाना है। देखिए दूसरे चैनल पे भी सेम 10K का रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ मैंने। फ्रेंड्स लगा लिया मैंने दोनों रेजिस्टेंस को। देखिए फ्रेंड्स, कैसे कनेक्ट करना करना है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, मैंने हाफ वाट का दो रेजिस्टेंस लिया है, 470 ओम्स का। देखिए, तो दोनों रेजिस्टेंस को आपको मॉस्फेट का गेट में लगाना है। फ्रेंड्स दोनों रेजिस्टेंस लगा लिया। इसके बाद दोनों 470 ओम्स का रेजिस्टेंस का देखिए, यहाँ पे एक वायर लगाना है आपको। देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर का जो 12012 का वायर है वो 12 वाला वायर को देखिए, मैंने हीटसिंक पे लगा रहा हूँ यहाँ पे।
दोनों चैनल का जो ड्रेन पिन है, ड्रेन पिन आपका मॉस्फेट के आपका हीट सिंक के साथ जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स देखिए मैंने लगा लिया। इसके बाद देखिए जो जीरो वाला वायर है, मैंने जो 470 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाया और जो वायर निकला था इसको यहाँ पे लगाना होगा। देखिए फ्रेंड्स वो पूरा रेडी हो गया। वो भी मैं बैटरी का जो वायर है, बैटरी के वायर को कनेक्ट करता हूँ। देखिए बैटरी का जो पॉजिटिव वायर है प्लस वाला वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है और जो नेगेटिव वाला वायर है बैटरी का, जैसे कि माइनस वाला वायर को आपको सोर्स के साथ कनेक्ट कर लेना है। देखिए मैंने कनेक्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा जो सर्किट है पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए फ्रेंड्स मेरा सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। तो अभी इसको लाइन देके और एक बल्ब लगा के आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए सेकेंडरी का जो वायर है ट्रांसफार्मर का, देखिए मैंने लगा लिया। अभी इसको एक मिनट देखिए, एक एलईडी बल्ब लगा रहा हूँ। लगाने के बाद इसको लाइन देके देखते हैं। फ्रेंड्स फाइनली वो कंप्लीट हो गया मेरे सर्किट। देखिए बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, देखिए मैंने यहाँ पे लगा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स वो पूरी तरीके से ग्लो कर रही है मेरी जो एलईडी बल्ब है। देखिए वो भी इसको एक 100 वाट बल्ब लगा के देखते हैं वो प्रॉपर काम कर रही है या नहीं। फ्रेंड्स देखिए मैंने अभी 100 वाट लैंप को लगा लिया। अभी लाइन देखिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स चालू हो गया मेरी जो 100 वाट बल्ब है। बहुत ही पावरफुल इन्वर्टर है। देखिए तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट करना और आने वाला दिन और भी अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ।